are going to discuss extra practice of chapter 6 of class 8 format. Question number 1 to 8 we have already discussed, you can check in playlist. Now question number 9, divide the following algebraic expression. Find the quotient and remainder in each case. Divide करना हमें और बताना है कि इसमें remainder क्या है और quotient क्या है. तो देखते पहले question note करते हैं, उसके बाद solve करेंगे. ये हमारे पास ए पार्ट. डिवाइड कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको जो फर्स्ट यहाँ पे टर्म है ये लेनी है, यहाँ पे ए है तो ए को डिवाइड करेंगे हम. 36 को 3 से डिवाइड करना है तो हमारे पास क्या आएगा, 12. क्योंकि यहाँ पे मैं हटा नहीं सकती हूँ, ऐसे करते हैं 36 ए स्क्वायर डिवाइड बाय 3 ए. यहाँ से यहाँ पार्ट 2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक बार कैंसिल हो जाएगी यानी 1 बचेगी और 3 से किया 3 1 जब 3 2 जब. तो यहाँ से क्या है 12 ए. तो ये 12 ए यहाँ पे नोट किया हमने क्वेश्चन. देन जो फर्स्ट टर्म है वो तो सेम ही आएगी, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इन दोनों टर्म से, तो फर्स्ट टर्म सेम रहेगी हमारे पास. सेकेंड टर्म क्या होगी, 12 4 जा 48. आफ्टर दैट ए बी. नाउ साइन चेंज करेंगे हम, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गए दोनों. यहाँ पे ये ए बी होगी, ये भी ए बी है, एक प्लस एक माइनस है. ये वाला साइन कंसिडर करना है अब आपको, इसमें से माइनस किया तो कितना आया 42 ए बी. और जो नेक्स्ट टर्म है इसको हम नोट कर लेते हैं, माइनस 56 बी स्क्वायर. अब इसको डिवाइड करते हैं हम 42 ए बी को 3 ए से, तो ए से ए कैंसिल हो गए, 3 वन जा 3 फोर जा. फिर हमारे पास क्या है 14 बी प्लस 14 बी मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म तो सेम ही आएगी 42 ए बी. सेकेंड टर्म आपके पास क्या आएगी 56 बी स्क्वायर. साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो गए, ये माइनस हो गए, ये कैंसिल हो गए. रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 0 और क्वेश्चन हमारे पास क्या आया 12 ए प्लस 14 बी. ये हमारे पास बी पार्ट. बी पार्ट में देखिए यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्यूब को जब आप स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो पास में आ जाएगी यहाँ पे 2. 2 कैंसिल होगी, मैंने 3 माइनस 2 1 यहाँ पर आएगी, तो x यहाँ पे आया. x को इसके साथ करेंगे तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1. साइन चेंज करेंगे हम, ये कैंसिल आउट हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4. एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो प्लस 1. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया हमारे पास एक्स और ये हो गया 3. तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कितना आ गया, एक्स प्लस 1 और रिमाइंडर क्या आ गया, एक्स प्लस 3. सी पार्ट देखिए, ये सी पार्ट नोट किया हमने, अब इसको डिवाइड करना है. यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा. फर्स्ट टर्म सेम रहेगी, अब एक्स स्क्वायर तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म की होगी, सेकेंड टर्म क्या होगी, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया, ये प्लस 3. देन माइनस, ये माइनस है 2 एक्स स्क्वायर. साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया. अब यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब है, माइनस एक्स क्यूब, अब ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ से क्या है, माइनस 21 एक्स स्क्वायर. ये मत करना कभी इसके अंदर प्लस माइनस कर दो, ये क्यूब है ये स्क्वायर. आप ये भी कर सकते हो इसको इधर इंटरचेंज भी कर सकते हो. उसके बाद प्लस 49 एक्स प्लस 4 एक्स क्यूब को करना है डिवाइड आपको एक्स स्क्वायर से, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस एक्स. फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी, माइनस एक्स को इसके साथ किया तो माइनस एक्स स्क्वायर आया. देन माइनस माइनस प्लस 2x. साइन चेंज किया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस 20 आ गया और ये हमारे पास बना है 47 प्लस 1 प्लस 4. अब 20 फिर से एक्स स्क्वायर करके ये क्या होगा,
-20 से तो इसको करेंगे तो -20 आ जाएगी यहाँ पे डिवाइड -20 एक्स स्क्वायर -20 एक्स प्लस हो जाएगा ये -9 मल्टीप्लाई कर रहे हो उन दोनों को 20 × 2 = 40 साइन चेंज करेंगे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हमारे पास क्या है 67 एक्स -30 यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 एंड रिमाइंडर इज 67 एक्स माइनस 30। दिस इज आर डी पार्ट। डी पार्ट में देखते हैं यहाँ पे एक्स फोर वाई इसको करते हैं डिवाइड एक्स फोर वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर वाई वाई से वाई कैंसिल हो गए यहाँ पे एक्स स्क्वायर फोर है यहाँ पे टू है क्या यानी एक्स स्क्वायर आया यहाँ से फर्स्ट टर्म एज के जाएगी अगर आपने ठीक से लिखते हैं एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाई आएगा माइनस फाइव एक्स स्क्वायर वाई ये प्लस हो गया ये माइनस ये कैंसिल यहाँ से देखिए पहले बार ये आएगी क्यू वैल्यू 4x³y देन ये वाली प्लस 5x²y ये वाला साइन आपको कंसिडर करना होता है देन प्लस 20xy माइनस 50y अब इसको डिवाइड करना है माइनस 4x³y डिवाइड बाय x²y y से y कैंसिल हो गया स्क्वायर वेयर तो यहाँ पे 1 बार बचेगी माइनस 4x³y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे नोट कर देती हूँ मैं क्यों क्योंकि एक्स वाई आएगा तो एक्स वाई यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 × 4 = 20 एक्स वाई ये साइन चेंज हो गया ये दोनों कैंसिल आउट क्या बच गया 5x²y एंड माइनस 50y अब इसको एक बार डिवाइड करके देखूँगी रफ में जा रहा पूरा फाइव एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर वाई तो ये कैंसिल होगी क्या बचा 5 + 5 फाइव एक्स स्क्वायर वाई माइनस 5 × 5 = 25y कैंसिल आउट हो गया क्या आया यहाँ से आंसर हमारे पास -25y तो क्वेश्चन हमारे पास क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 एंड रिमाइंडर हमारे पास आया -25y ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।